गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर, वेलकम ऑल द स्टूडेंट इन योर ऑनलाइन क्लास। हम जूलॉजी पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा पर्यावरण जैविकी या हम जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। ठीक है, जैसे कि आज अगर हम कहें ये नया साल है हमारे लिए, द विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द स्टूडेंट। हम यहाँ एक दूसरे के साथ अब वीडियो के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं इस नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय। तो हम आज के क्लास वाले स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था, वो हम पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल सक्सेशन या अनुक्रमण। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में हमारा जो लास्ट हमने पढ़ा था, यानी कि एक तरीके से जो एक्वेटिक एरिया होते हैं, यानी कि जहां पर जल होता है, तो जलीय क्षेत्र में जो अनुकूलन या हम कहते हैं सारा अनुक्रमण जो होता है, वो किस तरीके से होता है, सक्सेशन किस तरीके से होता है। तो एक्वेटिक एरिया में जो अनुक्रमण होता है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है उसको हम कहते हैं एक तरीके से डेजर्ट या टेरेस्ट्रियल एरिया में जो अनुक्रमण होता है, या हम कहें डेजर्ट एरिया में जो अनुक्रमण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस्फीयर कहते हैं। और उसी का एक टाइप कौन सा होता है, हमारा लिथोस्फीयर होता है। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो क्या है, लिथोस्फीयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे जो एक्वेटिक यानी हाइड्रोस्फीयर है उसको कंप्लीट करते हैं, देन हम क्या करेंगे, हमारा लिथोस्फीयर को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो एक्वेटिक एरिया में, यानी कि जो हम पढ़ रहे थे हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर में हमारी जो लास्ट स्टेज बच गई थी वो थी वुडलैंड स्टेज एंड फॉरेस्ट। तो हमारी लास्ट जो स्टेज थी इसमें हाइड्रोस्फीयर, इसमें आती है हमारी चरम वन अवस्था, चरम वन अवस्था, यानी कि एक तरीके से कौन सी है कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी आती है। तो जैसे कि आपने देखा ना, हमारी जो वीडियो थी उनमें हमने बात करी थी कि कैसे एक एक्वेटिक एरिया हंड्रेड ऑफ इयर्स में किसमें एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन के थ्रू एक एक्वेटिक एरिया किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, एक तरीके से फॉरेस्ट, ग्रीन फॉरेस्ट्री एरिया में कन्वर्ट होता है। क्या होगा कि वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कहें एक्वेटिक एरिया में, हमने किसकी बात करी, फ्रेश वाटर पॉन्ड की बात करी, यानी कि हमने सबसे जल्दी तालाब की बात करी। उस तालाब में क्या होता है कि तालाब में सबसे पहले क्या आती है, पायोनियर स्पीसीज आती है, यानी कि एक तरीके से जो हमारी प्रक्रामी प्रजातियां आती हैं। तो इन प्रक्रामी प्रजातियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आ रहा है यहाँ पर, एक तरीके से पादप प्लवक में जंतु प्लवक आते हैं, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स आएंगे, जूप्लैंक्टन्स आते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा है, जब जलीय क्षेत्र है तो जलीय क्षेत्र में सबसे पहले कैसा होगा, न्यूडेशन प्रोसेस है। तो न्यूडेशन प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आ रहा है, वो पायोनियर प्रजातियों में पादप प्लवक आते हैं। कौन आए हैं, पादप प्लवक और जंतु प्लवक। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि एक तरीके से न्यूडेशन का चेंज हुआ, इसमें हुआ कि वहां पर कुछ तरीके से एक तरीके से वेजिटेशन से स्टार्ट हुआ है। देन क्या होगा, धीरे धीरे वहां पर इनकी क्या होगी, कम्युनिटीज इंक्रीज होगी, इनमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो इंक्रीजमेंट होगा किसका, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन्स को, ये दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगी, इनकी डेथ होगी, तो एक तरीके से क्या होगी, डिकम्पोजर भी होगी, जो इनका क्या होगा, बॉडी का जो न्यूट्रिटिव मटीरियल है ये जब मर रहे हैं तो इनका न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, उस पॉन्ड के बॉटम में सेटल हो जाता है। फिर क्लाइमेट के थ्रू यानी रेन वाटर के थ्रू क्या होगा, इस पॉन्ड में एक तरीके से क्या आती है, मिट्टी आती है, गाद आती है, तो जो पानी का तल है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वहां पर पायोनियर प्रजाति के बाद कौन आती है, ऐसी प्रजातियां आती हैं जो कि कैसी होती है, जल में निमग्न होती है, यानी कि जल में डूबी रहने वाली होती है, जैसे हाइड्रिला हो गया, बेलिस्टेरिया हो गया। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में चेंजेस भी हो रहा है, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, जो स्लिट है या एक तरीके से मड है वो इंक्रीज हो रहा है, सी बॉटम में सेटल हो रहा है। फिर वहां पर क्या आ जाती है, वहां आ जाती है एक तरीके से फ्लोटिंग
स्पीसीज आ जाती है। फ्लोटिंग स्पीसीज में क्या हो जाता है कि वहां पर ऐसी प्रजातियां हैं जैसे कोटिपोजिट ऑन आ गया, या वो कहते हैं कि जो जिनकी पत्तियां तो क्या होती हैं प्लांट या वॉटर सरफेस पर तैरती है और जो रूट होती है वो मड में होती है। अब वहां पर क्या हुआ, सी वॉटर लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जो वॉटर लेवल है वो तो डाउन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और क्या हो रहा है, जो प्लांट है जो ऑलरेडी कैसे थे एक तरीके से सबमर्ज प्लांट थे, उसकी जगह कैसे आते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स आते हैं, जल में मग्न पाते आते। फिर धीरे धीरे और चेंजेस हुआ कि वाटर लेवल और कम हुआ, वाटर लेवल कम हुआ तो एक तरीके से वहां पे क्या हुआ कि जो फ्लोटिंग वाले प्लांट्स थे जल निमग्न जो पादप थे वो भी डिस्ट्रॉय होने लग गए। अब ऐसे प्लांट हो गए जो कि क्या होते हैं, जिनकी केवल रूट वाटर में होती है और प्लांट क्या होता है वाटर के बाहर होता है। तो इस तरीके से जब हम धीरे धीरे अगर लास्ट डे में बात करते हैं तो ये सारी जो हो जाती है सीनियर स्पीसीज है या सीनियर स्टेजेस होती है इनको, कि इस तरीके से धीरे 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 करके क्या हो रहा है जो सक्सेशन के थ्रू जो स्पीसीज है वो चेंज भी हो रही है और साथ ही साथ उस प्लेस का एटमोस्फेयर भी चेंज हो रहा है। अब लास्ट जो आती है हमारी वो आती है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब यहाँ पर एक्वेटिक एरिया में एक तरीके से डेंस फॉरेस्ट हो जाता है, बड़े बड़े ट्रीज हो जाएंगे, वृक्ष बन जाते हैं, तो यहाँ पर एक वाटर एरिया किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सघन जलीय क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। लिखेंगे इसमें हुमस व शुष्क जीवों की उपस्थिति के कारण, हुमस व शुष्क जीवों की उपस्थिति के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। हुमस व शुष्क जीवों की उपस्थिति के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण यहां वृक्षों की नई प्रजातियां प्रवेश करती हैं, और ये वृक्षीय प्रजातियां इस क्षेत्र का चरम समुदाय निर्मित करती है। इस कारण स्थलीय आवास के
केस में द सॉइल बिकम ड्रायर, द सॉइल forest stage. Last thing in my life.
माइक्रो ऑर्गेनिज्म गिव यू कंटीन्यूअस मास एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म द क्लाइमेट चेंज द climate change heavy rainfall take place heavy rainfall take place heavy rainfall हाइड्रोसियर में और सेकेंड जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है वो है हमारा लिथोसियर
शैल क्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी कि एक तरीके से नग्न चट्टान पे जो प्रारंभ हो रहा है उस अनुक्रमण को इस तरीके से, एक तरीके से वुड बिल्कुल जो ड्राई रॉक से जो स्टार्ट होता है, दिस टाइप ऑफ सक्सेशन इज नोन एज द लिथोसियर। तो लिखेंगे इसमें यह अनुक्रमण, पहले लिखेंगे मरुक्रम, खड़े क्या डालेंगे, मरुक्रम। शुष्क परिस्थितियों में प्रारंभ होता है, अतः इसे शुष्कता लंबी अनुक्रमण कहते हैं, अतः इसे शुष्कता लंबी अनुक्रमण भी कहते हैं, शुष्कता लंबी अनुक्रमण भी कहते हैं, जो कि दो प्रकार का होता है, जो कि दो प्रकार का होता है, शैल क्रम बालू क्रम, शैल क्रम बालू क्रम। और फर्स्ट हेडिंग डालेंगे शैल क्रम या लिथोसियर, फर्स्ट स्टडी क्या डालेंगे, शैल क्रम या लिथोसियर। लिखेंगे इसमें इस प्रकार का अनुक्रमण, इस प्रकार का अनुक्रमण नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है, इस प्रकार का अनुक्रमण नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है, जहां जहां जल की अत्यधिक कमी होती है, जहां जल की अत्यधिक कमी होती है, तथा कार्बनिक पदार्थ भी, तथा कार्बनिक पदार्थ भी कम पाए जाते हैं, जल अनुक्रमण की तरह, जल अनुक्रमण की तरह इस अनुक्रमण की भी, जल अनुक्रमण की तरह इस अनुक्रमण की भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जो कि अंत में चरम अवस्था तक पहुंचता है, जो कि अंत में चरम अवस्था तक पहुंचता है। इसकी अवस्थाएं निम्न हैं,
इसकी अवस्थाएं निम्न है। हेडिंग डालेंगे जीरो सियर। क्या है हमारी हेडिंग? जीरो सियर। देखो सक्सेशन इन ड्राई प्लेस, सक्सेशन इन प्लेसेस, सक्सेशन इन ड्राई प्लेसेस और ड्राई हैबिटेट, सक्सेशन इन ड्राई हैबिटेट is known as succession in that place is known as zero shear. There are two area of zero shear as lithosphere and samosphere, lithosphere and samosphere. अब heading डालेंगे zero shear, sorry lithosphere. लिखेंगे लिथोसियर इज ओरिजिनेट, लिथोसियर इज ओरिजिनेट integrated
स्टेट। हमारी यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टेजेस को स्टडी करेंगे कि किस तरीके से इसकी सारी स्टेजेस कंप्लीटेड होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।